हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबको रौनक के किचन एंड ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम लोग जा रहे हैं अपने घर और अभी हम लोग होटल छोड़ेंगे और दिल्ली एयरपोर्ट जाएंगे। दिल्ली एयरपोर्ट से अपने अपने घर चले जाएंगे। तो आज का ये ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाएंगे, आज का ये छोटा सा ब्लॉग है। ये ब्लॉग आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए, क्योंकि पूरा शादी तो अटेंड कर लिए, शादी सब हो गया, सब मजे बहुत मजे मस्ती किए, बहुत अच्छा लगा। और आप लोग अब आज का ब्लॉग देखिए और एंजॉय कीजिए। आज चेकआउट है, जीजा जी लोग सबको आ गए ऊपर से, बाजी नबीर सेकंड वाले जीजा जी को आना बाकी है। तो अभी हम लोग यहाँ पे नीचे बैठे हुए हैं, थोड़ी देर में निकलेंगे, कैब आएगी तो हम लोग निकल जाएंगे। देखिए गाइस, अभी हम लोग कैब का वेट कर रहे हैं। बाजी और सेकंड वाले जीजा जी आएंगे तो हम लोग निकल जाएंगे। कैसा रहा सबसे पूछ लेते हैं, बताइए शादी कैसा रहा? बहुत ही शानदार रहा, अच्छा रहा, बहुत मौज मस्ती किए, काफी एंजॉय किए ना, बहुत अच्छा रहा। और तुमको कैसा लगा रे शादी? खाया खूब है ना, बोलो ना, मस्ती से खाए, धूम से खाए। आई कॉन्टेक्ट करो यहाँ पे, आई कॉन्टेक्ट करके बोलो। सोफा में आना है, सोफा में बैठे। ये होटल था हमारा, इस होटल का नाम क्या है? श्री शांत टाउन हाउस। अच्छा, श्री श्याम टाउन हाउस, अच्छा था होटल। आप हमारी लगेज तैयार है, ये हम लोग का लगेज है। बाजी लोग, हम लोग की कैब भी आ गई। हम लोग का वो, ये बाजी लोग का है, ये हम लोग का है। बस तो तीन आदमी कैसे जाएंगे? हाँ, पीछे बैठ जाएंगे, डिक्की नहीं होती है। ये कौन सा बात है, आप लोग का जगह होगा? दे दीजिए। आप लोगों को आगे लेना पड़ेगा, एक सामान हो जाएगा, यहाँ पे तो डिक्की ही नहीं है, ये तो कैंसिल करना पड़ेगा। हम लोग का गाड़ी कितने लगेगा शायद? आ गई हम लोग का कैब। इधर से है, दिक्कत नहीं है ना? चलो एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर चुके हैं,
अब हम लोग को लगेज चेकिंग करना है, अब लगेज चेकिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। देखिए गाइस आज बहुत ज़्यादा रश है। चलिए गाइस हम लोग का लगेज चेकिंग हो गया, अब हम लोग अपने गेट नंबर 8 पे जा रहे हैं। हाँ गेट नंबर 8 है, गेट नंबर 8। चलिए आप लोग सबके चलिए, हम लोग का सबका चेकिंग वगैरह सब कुछ हो गया, अब हम लोग 8 नंबर गेट में जाएंगे। तुम्हारा भी सब कुछ निकाल दिया था, पर्स वगैरह सब निकाल देता हूँ। हम लोग का अभी टाइम है 1:10 में जाने बोला, इसलिए हम लोग घूम रहे हैं सब कोई मिलके। हाँ पानी पानी उधर लेंगे। हाँ चलो ना इधर से चारों तरफ से घूमेंगे, चलो ना। इधर से चारों तरफ से घूम के उधर से जाते हैं ले लेंगे। लीजिए पानी मुझे मिल गया। अरे ये लोग कहाँ चली गई? ये कपड़े का शॉप है, देख रहे हैं घूमते फिरते। एक बार आए थे ना यहीं से जमील भाई लोग के लिए टी शर्ट सब यहीं से लिए थे। हाँ यहाँ पे कपड़े का शॉप में आए हैं कोई देखने के लिए, बाबू के लिए देख रहे हैं। छोटा साइज का है नहीं कुछ, सब बड़ा बड़ा साइज का है। मेरा नाती के लिए देख रहे हैं, नहीं मिल रहा है, देखते हैं और कुछ अलग जगह में तो मिलेगा कि नहीं। ये भी अच्छा है, ब्रांडेड है, अच्छा लगा मुझे। लोग पीछे से आए इधर देखिए। गाइस हम लोग बैठ गए हैं तीनों एक साथ उस दिन की तरह। उधर जीजा जी और नबी बैठ रहे हैं, जमील भाई फोटो नहीं अच्छे ऐ देखिए वो इधर बैठे हैं, मेरा सीट पे वो बैठे हैं सेकंड वाले जीजा जी। ये गाइस हमेशा की तरह फिर से विंग्स के पास ही बैठ गए हैं, लेकिन फिर भी इस बार कुछ सूट कर पाएंगे शायद।
बागडोगरा से दिल्ली, तब उतना शूट नहीं कर पाई थी। देखती हूँ आज शूट कर पाऊँ बाहर का व्यू। हमारी फ्लाइट खुल गई है, अब टेक ऑफ करेंगे। देखिएगा इस दूर से कंचनजंगा का पहाड़ दिख रहा है, पूरा जूम करके दिखा रहे हैं आप, देखिए। फ्लाइट से कंचनजंगा का जो व्यू है वो देखने में बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा और दूर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और मैं पहली बार देखी थी, क्योंकि मैं हमेशा जाना आना करती हूँ लेकिन उतना कंचनजंगा पहाड़ को नहीं देखी थी, तो मैं जूम करके देखी तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ही मज़ा आया। पेंटिंग वाले जा रहा है, जब लैंडिंग हो रहे थे तो दूर से जो सूरज का रोशनी आ रहा था वो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, और मैं शूट किए बगैर रह नहीं पा रही थी इसलिए मैंने शूट कर ली, और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था सूरज और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लैंड कर चुके हैं और बहुत अच्छा लगा, और सब कोई हम लोग वेट कर रहे थे बाहर निकलने का, और थोड़ी देर बाद हम लोग बाहर भी निकल गए, और बाहर निकल के फिर हम लोग बस पे भी चढ़ गए, क्योंकि हम लोग को एयरपोर्ट से बहुत दूर में लैंड कराया गया था, तो हम लोग सब कोई जाके बस पे चढ़ गए और बस से फिर हम लोग एयरपोर्ट की तरफ गए। बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, बहुत ही इंजॉय किया हम लोग शादी में, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, और इस शादी को हम लोग भूल नहीं पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही बड़ा ग्रैंड शादी था। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जितना भी मैंने आप सबको शादी का ब्लॉग दिखाई हूँ सब ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा और आप सबको बहुत ही मज़ा आया होगा देख के, मुझे ये पूरा उम्मीद है। और गाइस अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइस, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत मेहनत से ब्लॉग बनाती हूँ सिर्फ आप लोग के लिए। इनको देखिए, 5 दिन से पान नहीं खाया तो पान लेके बैठे हैं, 5 दिन से पान नहीं मिला है, 5 स्टार होटल में पान नहीं मिलता है। वाह क्या देखो, सुकून मिल गया है ना, जाने पान पान। तो गाइस मैं अपना ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मुझे और एनर्जी नहीं था कि मैं और भी कुछ शूट कर पाऊँ, इसलिए मैं बागडोगरा ही तक शूट कर पाई और मैं घर तक शूट नहीं कर पाई, इसलिए मेरा ये ब्लॉग घर तक का ब्लॉग आप लोग नहीं देख पाओगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सबको ये मेरा ये आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, शेयर तो खूब से खूब ज़्यादा कीजिएगा। तो गाइस अब तक के लिए बस इतना ही, फिर न्यू ब्लॉग लेके फिर मिलेंगे।